बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर में बेघर और मंशियात के आदि अफराद की हलाकतों का सिलसिला आज तक न रुक सका। माह अक्टूबर में भी 39 बेघर मंशियात के आदि अफराद जान की बाजी हार गए। हमारे नुमाइंदा खसूसी अहमद बिलाल बलोच के मुताबिक इस हवाले से ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब लाहौर ने माह अक्टूबर की रिपोर्ट जारी कर दी है। कंसल्टेंट इंस्ताद मंशियात मुहिम सैयद जुल्फकार हुसैन शाह ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि नामालूम अफराद की लाशों को लाहौर के मुख्तलिफ कब्रस्तानों में दफना दिया गया है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन नदील राशिद, माहिर नफ्सियात साइमा शहजाद, इंचार्ज स्कूल प्रोग्राम सैयद मोहसन, सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर शुएब, माहिर नफ्सियात साइमा शहजाद और डॉक्टर इकराम समेत दीगर भी शामिल थे। इस मौके पर बात करते हुए कंसल्टेंट इंसदादे मंशियात मुहिम सैयद जुल्फकार हुसैन का कहना था कि लाहौर में मंशियात के आदि अफराद की तादाद में इजाफे से शहरी इंतहाई परेशान हैं। क्रिस्टल, आइस, गुटका, हीरोइन, कोकीन, हशीश समेत दीगर मंशियात और इंजेक्शन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जबकि लाहौर शहर में 30,000 मंशियात के आदि अफराद को फौरी इलाज की ज़रूरत है। उनका मजीद कहना था कि लाहौर में सिर्फ एक अस्पताल सरकारी स्तर पर मंशियात के आदि अफराद की बहाली के लिए काम कर रहा है। माह अक्टूबर में भी दाता दरबार और भाटी गेट के इलाकों में सबसे ज़्यादा नामालूम मंशियात के आदि अफराद की लाशें मिली हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों और फुटपाथों से उठाए जाने वाले मंशियात के आदि अफराद को कहाँ रखा जाता है। मंशियात के आदि अफराद की बहाली और नए आने वाले अफराद को नशे से रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है।